तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहरा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मुस्कुराना भी तुझे सीखा है, हाँ तो मेरे भाई लोग और कैसे हो, होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो गन करर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों की रैंक और टीयर क्या है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। अब दोस्तों अभी जो मैं फ़िलहाल टीयर पे हूँ वो हूँ डायमंड 2 पे। तो अब बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। अब दोस्तों मैं उतर जाता हूँ इवेंट पे, और इवेंट पे उतरने के बाद मैं इस लोकेशन पे अपन लैंडिंग करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं मेरे को सामने की तरफ से आते फाइट का साउंड, और यहाँ पे चालू होती है भाई पार्टी, थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, मॉली डाल देता हूँ सामने की तरफ। और बंदा मॉली से बच के मतलब भाई भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं पुश करके भाई को इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब भाई को फिनिश करने के बाद में यहाँ पे मैं और भी बंदे स्पॉट करने लग जाता हूँ। उतने में ही जैसे मैं बंदे की पेटी लूटने जाता हूँ बाहर की साइड, और वैसे मेरे ऊपर यहाँ पे पीछे की साइड से स्प्रे आता है। अब बंदे ने तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रे मारा था, लेकिन यहाँ पे मैं लकीली बच जाता हूँ। अब यहाँ से बचने के बाद मैं सबसे पहले तो हीलिंग लगाता हूँ, और हीलिंग लगाता हूँ तो उतने में ही मेरे को सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है। भाई इस तरीके से मतलब किसी को भी भाई गाड़ी वगैरह लेनी नहीं चाहिए, जैसे कि रेंडियर मिलता है भाई अपने को सेंटा क्लॉज बनने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मरवा देता है। भाई मुझे भी एक दो टाइम ऐसे ही मरवा दिया इसने, तो ये चीज़ तो भाई मैं उठाता ही नहीं हूँ, अब की बार कभी लेता ही नहीं हूँ। अगर मैं बाई चांस उस लोकेशन पर रहा भी ना तो मैं कभी वो चीज़ को बुलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई उससे अच्छा ड्रॉप अगर आप मंगा लो तो वो चीज़ एक टाइम के लिए अच्छी हो जाती है। अब उतने में ही दोस्तों मेरे सामने की साइड रहता है एक और बंदा, और वो बंदा अपने ऊपर यहाँ पे मॉली कर रहा रहता है, तो मैं उस बंदे को थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे स्टंट ग्रेनेड कर देता हूँ, लेकिन बंदा कूद के बाहर की साइड चला जाता है। और जैसे भाई अपने ऊपर यहाँ पे पुश करता है, भाई के पास में भी यहाँ पे एस्टोल के रहती है, लेकिन तुम्हारे भाई के एस्टोल के यहाँ पे खतरनाक तरीके से भाई को पड़ जाती है, और भाई का गेम यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब इन भाई सब की पेटी बनाने के बाद मैं निकल जाता हूँ और भी बंदे ढूंढने के लिए। उतने में मेरे को स्पॉट होता है सामने की तरफ अपने प्यारे बॉड भैया, तो बॉड भैया से तो आशीर्वाद ले लेते हैं ताकि अपन अच्छे से गेम खेल पाए, क्योंकि भाई कल के दिन मेरा बिल्कुल भी मैचों से एक भी अच्छा नहीं गया दोस्तों, इसी के लिए भाई बॉड चाचा से आशीर्वाद ले लेते हैं अपन। अब अपन अपना जादुई घोड़ा लेके निकल पड़ते हैं और भी बंदे ढूंढने के लिए। अब जब मैं आ जाता हूँ इस लोकेशन पे यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो भाई पेट्रोल पंप के इधर आता हूँ, यहाँ से M4 उठाता हूँ, क्योंकि भाई M4 ऐसी गन है ना, उस गन से, और जब से भाई मैंने M4 ग्लेशियर मैक्स करी है, पूरी नहीं दोस्तों 5 लेवल की, जब से तो कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है इस गन से मुझे। हर गेम में मतलब मेरे पास में आपको M4 दिखेगी ही दिखेगी, और अगर नहीं भी रहेगी ना तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा ये गन को उठाने के लिए। और इसी चक्कर में दोस्तों मेरी एक दो बार पेटी भी बन चुकी है भाई, क्योंकि सामने वाले बंदे को मैंने पेला और उसको मैं लूटने गया, लेकिन वहाँ पे अपनी बन गई पेटी। अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों इस लोकेशन पे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा होल्ड करके रखा हुआ था। अब जैसे ही मैं इस लोकेशन पे आता हूँ भाई के पास रहती है DBS, तो भाई फुल चौड़ में आते मेरे को फिनिश करने के लिए, लेकिन तुम्हारा भाई जिस तरीके से भाई को यहाँ पे छिपकाता है ना, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। अब उतने में ही जैसे मैं ऊपर की साइड आता हूँ मेरे को स्पॉट होता है जादुई घोड़ा, अब जादुई घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं सेंटा क्लॉज, तो सेंटा क्लॉज से गिफ्ट विफ्ट ले लेते हैं एक किल के साथ में अपन यहाँ पे। अब किल तो अपन ने कर दिया था, और घोड़ा देखो भाई कितने आराम से नीचे उतर रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करी है या नहीं मेरे को एक बार ज़रूर से बताना, मैंने तो कभी नहीं करी थी, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व करी है ये चीज़।
अब उतने में ही पीछे के साइड से मेरे ऊपर पुश करने आता है एक और बंदा, तो मैं डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर पुश कर देता हूँ। तो दोस्तों यही चीज़ की वजह से मैं हर बार गेम में मरता हूँ। जैसे कि भाई मेरे पास नेट था, तो भाई यहाँ पे नेट का यूज़ मैं करता ही नहीं हूँ। वो तो सही है, पीछे वाले बंदे ने उस बंदे को फिनिश कर दिया, वरना शायद से वो बंदा मुझे मार देता या मैं उस बंदे को मार देता, दोनों चीज़ में से एक ही चीज़ हो सकती थी वहाँ पे। अब दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताना है कि भाई बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जॉब पे बैठ के ये अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा आ रहा हो तो मुझे ज़रूर से बताना, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन ये चीज़ भाई कवर कर सके। अब उतने में ही मेरे को सामने की साइड में एक बंदा स्पॉट होता है, जो मतलब स्मोक का वॉल बना के भाई जोन में आने का ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई भाई को फिनिश कर देता है। अब दोस्तों स्प्रे तो अच्छा है, लेकिन भाई लगता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी चीज़ के चक्कर में जो है अभी तुम्हारे भाई की पेटी देखो किस तरीके से बनेगी। अब सामने की तरफ जो बंदा रहता है, उस बंदे को शायद से मेरे फुटस्टेप आ गए थे, तो वहाँ पे नेड ट्राई कर देता और अपना नेड अपने मुंह पे आके फट जाता उस बंदे का, तो यहाँ पे अपनी पेटी बन जाती है। अब उस गेम में अपने को 28 का प्लस हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड गेम प्ले की तरफ। अब दोस्तों इवेंट पे उतरते के साथ ही अपनी बन चुकी थी पेटी, और पेटी बनने के बाद में अपन उतर जाते हैं यहाँ से आना पे, और यहाँ से गुजर रही होती है एक गाड़ी, और यहाँ पे थी एक बंदी गाड़ी लेके जाते हुए, तो उसको तो अपन भाई गजब तरीके का स्प्रे देते हैं। उतना में ही उनके भाई भी आ जाते हैं यहाँ पे बदला लेने के लिए, लेकिन उनके भाई को भी तड़ा दिया जाता है यहाँ से। अब इन भाई को फिनिश करने के बाद में मेरे को सामने की तरफ में यहाँ पे भाई फायर का साउंड आ रहा था, तो मैं निकल पड़ता हूँ वहाँ पे और भी बंदे ढूंढने के लिए, लेकिन वो निकलते अपने प्यारे बड़ भैया। और यहाँ पे देखते ही देखते अपने तीन किल इजीली हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं भाई अच्छी खासी लूट करके निकल पड़ता हूँ सर्कल की तरफ, और उतने में ही मेरे को भाई बीच की तरफ में मिल जाता। जब मैं सर्कल की तरफ जा रहा था, मेरे सब्सक्राइबर भाई मिल जाते हैं RDX प्लेस अपने भाई ये प्यारे, तो वो मिल चुके थे, तो मेरे को वहाँ से उठा लेता हूँ भाई को मैं गाड़ी में, क्योंकि उनके पास में गाड़ी तो थी नहीं, तो मैं सोचता हूँ चलो चल के सर्कल में छोड़ दिया जाए। अब जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, अब यहाँ पे जैसे हम लोग आते उतने में ही ये बंदा भाई फायर लेने के लिए आता, लेकिन ये निकलता है मयूर भाई। तो मैंने तो स्टार्टिंग में पहचाना नहीं था, लेकिन ये भाई ने अपनी पहचान लिया। तो यहाँ पे जैसे पहचान लेते तो भाई से यहाँ पे बातचीत करते अपन, और बातचीत करने के बाद मैं बोलता हूँ भाई किसी बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम टीम अप करके मार रहे हैं। तो मैं निकल पड़ता हूँ भाई अपनी गाड़ी लेके सीधा आगे की तरफ, और जैसे ही इस लोकेशन पे आता हूँ मेरे को सामने की तरफ में स्पॉट होती है गाड़ी। अब मैं यहाँ पे भाई थोड़ा शॉक में था कि बंदा कहाँ पे होगा, क्योंकि भाई कैंप पर निकल सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ से मुझे साउंड आता है, और भाई जैसे मेरे को स्पॉट करते हैं यहाँ पे, भाई के स्पॉट करते के साथ ही भाई को फिनिश कर देते अपन। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद में नीचे की साइड में एक और बंदा रहता है, जो मतलब जोन में आने का ट्राई करता है, क्योंकि सर्कल उस बंदे के पास था नहीं, तो मैं उस बंदे को यहाँ पे देखने चले जाता हूँ। और भाई उस बंदे के इधर ही काफ़ी ज़्यादा समय तक वो वेट करता हूँ, जिसे बंदा मतलब जोन में रोटेशन देगा तो भाई को अपन फिनिश करेंगे। लेकिन भाई होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही बंदा मतलब जोन में रोटेशन देता है तो मैं यहाँ पे भाई इस पर अपना हक देता हूँ। अब चांसेस तो था उस बंदे को फिनिश करने का, लेकिन क्या ही बोलूँ भाई, पीक करके मारने की ये मेरी आदत है ना, मतलब अभी लगी है रीशु भाई को देखने के बाद, ताकि स्प्रे जो है अच्छे जाए, लेकिन भाई अपने साथ बिल्कुल भी नहीं होता। कल से जो है मैं स्टेट स्प्रे मारने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं मारता हूँ। तो रीशु भाई अब की बार तो आपकी मतलब भाई टेक्निक काम नहीं आई, नेक्स्ट टाइम मरजीत भाई की भी ट्राई करेंगे कैसे स्प्रे मारते हैं मरजीत भाई। तो यहाँ पे अपन भाई सामने की तरफ जो बंदा रहता है स्क्वाड है उसकी तरफ, अब उस बंदे को तो मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे भाई प्रॉन होके बच जाता है। अब मैं सोचता हूँ बंदा यहाँ पे जोन में रोटेशन देगा, क्योंकि सर्कल उस बंदे के पास था नहीं, तो मैं पूरा वेट करता हूँ उस बंदे के लिए, और वहाँ पर दो दो बंदे रहते हैं, आपस में फ़ाइट हो जाती है उनकी। और वहाँ पे एक बंदा मतलब M4 वाला एक बंदे की पेटी बना देता है, और M4 वाला भी भाई सर्कल में फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे बसते हम खाली तीन ही बंदे, क्या बोलते हो दोस्तों, स्प्रे में गिरा दूँ? लेकिन भाई जाने दो, मतलब भाई अभी बाद में ये लोग ये रिपोर्ट मार देंगे मेरे को, लेकिन अभी यहाँ पे होता है ऐसा है कि भाई से अभी टीम अप करेंगे हम सब।
ओए मारना नहीं बे, आज चिकन मेरे को दे दो भाई। हमारा भी वही हाल है अभी फिलहाल में। तुम दोनों फाइट करो, जो बचेगा उससे मैं करूंगा। देखो अब मयूर भाई की स्ट्रेटेजी सुनी तुमने भाई, चिकन निकालने के लिए बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि अभी हम दोनों को लड़ा देता और बोलता है लास्ट में मैं लड़ूंगा, जो भी बंदा मतलब घायल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों भाई पेन फाइट करते हैं। तो दोस्तों कौन जीतने वाला है बताओ? पेन फाइट में मेरी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वो है नहीं हैबिट्स। तो देख रहे हो दोस्तों, दूसरा भी मैंने यहाँ पे पेन खा लिया। अगर अब की बार यहाँ पे पेन पड़ गया ना तो अपना गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन अब की बार अपन यहाँ पे RDX भाई का काम तमाम कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हीलिंग लगा लेता हूँ और अब लड़ेंगे अपन #1 सोलो कॉन्करर प्लेयर भाई, जो लीडर बोर्ड 1 पे बैठे पड़े हैं मयूर। इनका टाइम लिमिट कभी ख़त्म होता नहीं है, तो उनसे अभी अपन फाइट करेंगे दोस्तों। तो गैस करके बताओ कौन जीतता है अभी। अबे भाई नाइस नाइस, स्ट्रिक टूट गई भाई। चार अब यहाँ पे भाई को फिनिश कर देते अपन फाइनली और अपन निकाल लेते हैं चिकन डिनर दोस्तों। अब मयूर भाई को तो अपन ने फिनिश कर दिया और इसी के साथ में मतलब जो कल वाली गेम प्ले में मयूर भाई ने अपने को पेला था तो उसका बदला अपन ने आज वाली वीडियो में निकाल लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो ना। तो मिलते हैं कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।